अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम एमएस वर्ड 2010 में सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को देखेंगे। कीबोर्ड के ज़रिए अगर हम टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कर्सर को स्टार्ट लाइन में लेकर आऊँगी, लाइन के शुरू में लेकर आऊँगी। कीबोर्ड में मैं शिफ्ट और राइट एरो की को जब जैसे ही इकट्ठा प्रेस करूँगी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। अगर मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो मैं कर्सर को एंड पर लेकर आऊँगी, शिफ्ट और बैक एरो की को जैसे ही मैं इकट्ठा प्रेस करूँगी तो ये सारा टेक्स्ट जो है ये सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देखें, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस ए जो है वो दबाऊंगी कीबोर्ड से, तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। माउस की मदद से कैसे सेलेक्ट करना है, जिस वर्ड को सेलेक्ट करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही हम वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा माउस के ज़रिए हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्शन बार है, सिलेक्शन बार में सिंगल क्लिक करने से एक लाइन, डबल क्लिक करने से पैराग्राफ और ट्रिपल क्लिक करने से पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और हमने लेफ़्ट माउस बटन को दबाना है।